आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां से सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे थे नीमच से। वहीं अब आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर सीएम भूपेश बघेल किसान सम्मान कार्यक्रम के दौरान संबोधित कर रहे हैं। मुट्ठी तान के नारा लगाना है, कोनो आदमी छूटना नहीं चाहिए आगे से लेके पीछे तक। जय जवान। काका अभी जिंदा है, बहुत दिन बाद में बेमेतर आए के मौका मिले। बहुत दिन से आदरणीय चौबे जी, आशीष भाई और हमार नवागढ़ के विधायक लगातार कहते रहे से आपके भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, वर्तमान में गृह मंत्री भी लगातार कहा से कि बेमेतरा जाना है। आज ये अवसर है इसके आशीष भाई के इसके गांधी जी के प्रतिमा बन के तैयार है, वो मूर्ति का अनावरण करना है। तो आप सब के मिले के बहुत उटकत इच्छा रही से, बहुत दिन बेमेतर आए हो गिरी से, मैं कहेंगे बहुत बढ़िया ये अवसर है गांधी जी के जयंती और मूर्ति के अनावरण, साथ में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लड़का मन से भेंट मुलाकात और आप सबके दर्शन। भाई राजेंद्र साहू भी आए दुरुगले, ओकरो भी स्वागत, बहुत जन साथी मन के नाम नहीं ले पाता, मैं सबसे क्षमा चाहूं। यू तरफ देखा था सब पुराना संगवारी मन बैठे है, ममा मन तक आए सब जान ले। हाँ जवाहर वर्मा हमारे यहाँ पाटन ले आए है, आज बहुत खुशी के बाद जैन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान आई, वो समय भगवान बाल गंगाधर तिलक आजादी के लड़ाई के नेतृत्व करते से कांग्रेस के नेतृत्व करते से, सब जन पूछिस कि तिलक जी आपके बाद कौन देखी, वो कहे तुम्हार नेता वो बैठे जिन सूट पहन के आए महात्मा गांधी, वो समय महात्मा नहीं बने रहे से मोहनदास करमचंद गांधी रही से, ओके ये भारत के कांग्रेस के नेतृत्व करी, एकर नेतृत्व में आजादी के लड़ाई लड़े जाए। गोपाल कृष्ण गोखले जेकर बारे में कहे जाते महात्मा गांधी के गुरु, राजनीतिक गुरु, वो पूछे थे क्या कर दे, वो कहे थे मैं अभी आया हूं अफ्रीका से तो सबसे पहले हिंदुस्तान के भ्रमण करूं, पूरा प्रदेश मन के दौरा, शहर के दौरा, गांव के दौरा, गांव में काम करने वाला किसान मजदूर हमर बुनकर साथी मन के बीच में जाके, कामगर साथी तिकर मन के बीच में जाऊं, मैं लगातार वर्षों तक 4 साल तक के हिंदुस्तान के भ्रमण करेस और गांव में जाके देखेस, ये गांव हमर एक जीता जागता गणराज्य, जेकर कोषालय भर नहीं रही से, जेकर कर पुलिस नहीं रही से, लेकिन व्यवस्था एक गणराज्य के हमर गांव के अति सुंदर कि गांव वाला मन केवल नमक भर खरीदत रही से और घास लेट माटी के तेल भर लग खरीदत रही से, बचा सब चीज उत्पादन कर लेती से, अनाज के, दलहन के, तिलहन के, गन्ना के, कपास के, सब के उत्पादन कोनो कोनो चीज बहुत है, कोनो कोनो चीज बहुत है, एक दूसरे ला अमर लेतरी से। हमार छत्तीसगढ़ में तो आगिल तक अमरे परंपरा रही से, आगे अब सांझ के आगे बारना है
घर में आगी कंझा गए बुझा गए, पड़ोसी घर ले आगी मांग लेती थी, साग सब्जी मांगबे कर रही थी आगी तक मांग लेती थी। ये हमार परंपरा और ये जिन प्रेम और भाईचारा महात्मा गांधी देखे कि जब हिंदुस्तान के गांव ऐसे है तो मैं जाना था महात्मा गांधी पोरबंदर में रहे, शहर में रहे और सीधा होकर बाद इंग्लैंड की इंग्लैंड ले अफ्रीका की इस वकील बने के बाद गांव तो पहली बार जब वहां से इस अफ्रीका से तब वो गांव घीस गांव जाग देखते कि कतेक भाईचारा के साथ सब जते भी चाहे छोटे बड़े जते भी उत्पादक है सब एक साथ मिलकर रहते एक दूसरे के सहयोग करते। ओके ऐसा जब गांव है तो देश गुलाम नहीं हो सका है। ये वही पैकेज महात्मा गांधी के भारत के आत्मा गांव में बस थे। आज वही सुराजी गांव के कल्पना महात्मा गांधी के रास्ता है कि भूपेश बघेल के रास्ता न हो, ये को रोहिण चौबे और ताम्रध्वज के रास्ता न हो, ये प्रदीप चौबे और राजन साहू के रास्ता न हो, ये गांधी के रास्ता है ग्राम स्वराज के। 185 वर्षगांठ के अवसर पर हम सुराजी गांव बनावो, गांव मजबूत करना है। तो गांव मजबूत करना है तो का पहली किसान मन के मूड में जिन ऋण के बोझा है तेल पहली उतारो, 9000 करोड़ के ऋण माफी, 2500 रुपया क्विंटल के धान, 400 हेक्टर के बिजली बिल आधा, किसान मन के साथ साथ आम जनता के हित में 35 किलो चावल सब परिवार ल, ताकि हमारे गांव में गरीबी नहीं रहना चाहिए, कोनो भूख नहीं मरना चाहिए, गांव स्वावलंबी बनाना है, गौठान बनाए के काम करें, गौठान बनाए के साथ साथ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हर गांव में हमें 5 से 15 एकड़ जमीन गौठान पर सुरक्षित रखें, चारा गांव पर सुरक्षित रखें। कलेक्टर मन कहा है अतिक जमीन कैसे खाली कराबो, बहुत अकन अतिक्रमण है, मैं कहे जिन अविवादित जमीन है तेने ला रक्षित करो गौठान में। आज 10,300 गांव में गौठान के स्वीकृति हो गए, 6,000 गांव तो गौठान बन गए, 1,600 गांव ऐसे है गौठान ऐसे है जिन स्वावलंबी बन गए, जिन स्वावलंबन के बाद महात्मा गांधी करत रही से आज वो काम छत्तीसगढ़ में उतरे है। ये छत्तीसगढ़ के धरती तेन महात्मा गांधी के रास्ते में चल पड़े है। गोबर खरीदे तो कई जन मजाक करे गोबर लग राज की प्रतीक बना लो, अरे गोबर के महत्व का है ये लोग मन नहीं समझे। गोबर में हमन घर लिपथन, हमार चूल्हा लिपथन, तब जाके चूल्हा जलाथन, अरे यही गोबर थे जब हमार घर में पूजा होते महाराज मन अभी भूमि पूजन करे तो गोबर के गौरी गणेश मनाते, अतेक पवित्र हमन गोबर ल मानते तेकर मन मजाक उड़ावत रही। आज वो गोबर ल खरीदे की व्यवस्था करें, वर्मी कंपोस्ट बनाए, 12,00,000 क्विंटल के वर्मी कंपोस्ट आदरणीय रवि चौबे के देखरेख में बना, 10,00,000 क्विंटल किसान मन ल और विभिन्न विभाग में हमन बेच भी दें। आने वाला समय में छत्तीसगढ़ जैविक खेती के नाम से भी जाने जाए, और वह तक के नहीं रुके, गोबर से केवल वर्मी कंपोस्ट नहीं, सुपर कंपोस्ट नहीं, गमला दिया गोकास्ट वह तक के नहीं रुके, अब तो भाई प्रदीप शर्मा जैसे हमारे नौजवान इंजीनियर सब साथी मन मिलके बिजली बनाए भी काम होते। अब आज ये बटन दबाओ बेमेतरा में, बेमेतरा वो स्थान हिंदुस्तान में वो याद रखे जाइए बेमेतरा ला 2 अक्टूबर के वो तारीख महात्मा गांधी और शास्त्री जी की जयंती याद के रखे जाए। अरे अभी तक के भारत सरकार बिजली बना दी से, राज्य सरकार मन बिजली बना दी से, बड़े बड़े उद्योगपति मन बिजली बना दी से, अब तो हमारे टेटकू बैसाखू मन हमार सुखवती और सुखवारों मन तक बिजली बेचे काम करे। अभी तक के कोनो छत्तीसगढ़ में इसे कोनो नहीं कह सके कि मैं बिजली उत्पादन कर सकूं, लेकिन आज हर गांव में हमारे साथी मन हमारे किसान भाई मन मजदूर साथी मन गौठान समिति वाला मन स्वसहायता समूह के बहनी मन की कि हाँ हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे गौठान में हमन बिजली उत्पादन करते हैं और बिजली उत्पादन नहीं कर बेचे भी काम कर रहे, बिजली के मामले में स्वावलंबन के दिशा में हमने आगे बढ़ाता, ये काम यदि हो तो छत्तीसगढ़ में हो। कतेक बड़ा बात कि गोबर लजेला कहा कि गुड़ गोबर हो गए, आवाज गोबर के महिमा देख ले,
आज सत्ता पक्ष छोड़ दे विपक्ष वाला मन भी चर्चा करत गोबर के तक मत परम दिन अभी प्रधानमंत्री के साथ हमारे मन के वर्चुअल मीटिंग हुई उमे बात लमे कहे अब तो प्रधानमंत्री जी हमारे गांव में गोबर से बिजली पैदा करबो अब पावर प्लांट वाला मन अब बिजली बेचे काम नहीं करे हमारे गांव के गौठान समिति वाला मन बिजली पैदा करी और पैसा कमाए होकर से जतका के गोबर रही एकर ज्यादा बिजली उत्पादन हुई वर्मी कंपोस्ट के अलग पैसा मिले तो समझ ले जतका पैसा अभी मिलत रही से ओकर से दुगुना पैसा हमार स्व सहायता गौठान समिति गोपालक मन ला मिलने वाला है गोबर से भी पैसा कैसे कमाया जाए एकर शुरुआत साथ ही गौठान मन में हमन अभी तेल घानी बोर्ड बनाया गांव में केवल अलसी नहीं हो गांव केवल सरसों नहीं हो गांव केवल तिली नहीं हो अरे हमारे गांव में नीम के पेड़ तक है हमारे गांव में करंज के पेड़ तक है हमारे गांव में महुआ के पेड़ तक है ओकरो फल मन से तेल निकाले जा सकते बाबा रामदेव एक आंखी चपक के ही सरसों के घाने के शुद्ध तेल काबर बेची अरे हमारो गांव के मन कहे कि हमार गांव करे दाढ़ी करे बेमे तरह करे देव करके साथ ही मन विज्ञापन दी कि देव करके घानी से निकले शुद्ध सरसों के तेल अलसी के तेल नीम के तेल करंज के तेल ये नाम से बेची तो उत्पादन करे काम हमन गांव में करबो ट्रेडिंग करे काम शहर में करबो और हमार उत्पादक साथी मन बेचे ले नहीं जाना है हम तो कमाए भल्ला जानते हैं गांव मन बेचे ले नहीं जाना और हमार मन की स्थिति का है जाना था ना बोलैया कि जिल्लों में जा जाते और नहीं बोलैया कि चना तक नहीं बेचा है तो हम चना नहीं बेच सका ना मन वो काम प्रशासन ला देन ये कलेक्टर है सीओ है ये सब मन वो काम ला करी कि जब कभी व्यापारी तुम्हारे से अनुबंध कराई तुम मतलब कहूं जाए के जरूरत नहीं उत्पादन करना है पैकिंग करना है बेचे काम ला प्रशासन के देख रेख में ही पैसा तुम्हारे खाता में पहुंच ये काम महात्मा गांधी का सपना ला साकार करे काम करबो यदि आप साथी मन जुड़ गए हुई कहा राखी मन जुड़ गए अभी तीन ठक गांव में एक ठक बेमेतरा जिला एक ठक दुर्ग जिला एक ठक रायपुर जिला तीन ठक गौठान समिति वाला मन जुड़े और तीनों गांव में बिजली बनाए के काम अभी देखा था तुमने गांधी जी की फोटो भी लगे किसान मन बैठे बहनी मन बैठे ये मन कहा साथी है राखी के सब साथी का नाम है तोरगा राखी वाला भाई सुना था आवाज आते का प्रकाश ओतिल आवाज नहीं आते ओतिल आवाज आना चाहिए जय बिहान का नाम हो जय बिहान का नाम है तो छत्तीसगढ़ अच्छा तो तुम्हारे गोबर से बिजली बनाने की तैयारी कर रहे हाँ आवाज है आवाज सुना थे मोर नाम गीता साहू है हमारे गांव का नाम पंच रंगा ब्लॉक आरंग जिला रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ अच्छा तो गौठान समिति तुम्हारे बढ़िया बने हैं हाँ सर अच्छा अभी तक के वर्मी कंपोस्ट कते कन बना रहे हो वर्मी में हाँ? 3,25,000 3,25,000 के वर्मी कंपोस्ट बेचे बहुत बधाई अब बिजली बना थे तुम्हारे गांव सुने में बिजली बना थे बिजली बने तो पहले का 2,00,000 है सर गोधन न्याय योजना में अभी जुड़ा है तो अभी 1,25,000 है गोधन न्याय योजना में 1 साल के अंतर्गत अच्छा चलो तुम बिजली प्लांट का शुरू करो कहाँ है कैमरा घुमाओ प्रदीप प्रदीप चालू कर
वहां यदि अधिकारी बैठे हैं तो वहां के जो पावर प्लांट है उसे शुरू करें। बिजली शुरू करके बताएं। आवाज ही नहीं आ रहा। गोबर गैस प्लांट का अभी उद्घाटन होगा सर। हाँ चलो शुरू करो। प्रश्न सुनावत नहीं सर। सवाल ही समझ में नहीं आ रहा। यहाँ सब आवाज आत वो ये टंकी में गोबर घोले गए है वो गोबर गैस प्लांट और वहां से टंकी में आते थे पूरा गैस इकट्ठा हो थे। वहां कोई अधिकारी नहीं है जो बता सके। गोबर गैस का भी शुभारंभ होगा सर आपके द्वारा। हाँ चलो शुरू करिए। आप बटन दबाइए सर। बटन दबाइए आप। हो गया सर शुरू हो गया। चलो बढ़िया बधाई। अब लाइट जला बताओ भाई। 20 से 25 बिजली जलेंगे सर यहाँ। जलेगा द्वारा यहाँ बिजली उत्पन्न होगा सर। बिजली देखो। धन्यवाद सर। ये बिजली से माध्यम से इस गौठान में बिजली उत्पन्न होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद सर। देर रात रोज काम करेंगे। देर रात रोज काम करेंगे। यहाँ अंधेरा शाम को हो जाता था तो हमको काम करने में परेशानी होता था तो हम लोग शाम के आकर यहाँ काम कर सकेंगे सर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब राकेश भाई प्रताप राखी जोड़े बेमेतर राखी। चलो शुरू करें। इन्वर्टर शुरू करें। हाँ प्रताप आवाज आते। हेलो आवाज आते। हाँ बोल गा। आपके आशीर्वाद और रजनी चौधरी जी के आशीर्वाद से हमारे गांव में आज विकास की झंडा बहुत है। आपके मुख्यमंत्री हमारे राखी शारदा विधान सभा के सबसे सुखद व्यवहार सारा गांव गली गली में सड़क और सामाजिक भवन बन गए और गोबर गैस से बिजली की स्थापना करेंगे। एक में आपके गवर्नमेंट चौधरी का सदा आभारी होंगे। चलो शुरू करो। बहुत बधाई प्रताप भाई और सबो महिला समूह मतलब भी बहुत बधाई गौठान समिति वाला मतलब खूब बधाई। हाँ कहा नाम वो तो नाम मीरा मानिकपुरी है। हेलो हेलो। हाँ सुना थे। जय बिहार। जय बिहार। मोर नाम मीरा मानिकपुरी है। ग्राम पंचायत राखी तहसील साजा जिला बेमेतरा से हूँ मैं यहाँ और हमारे ग्राम संगठन के नाम प्रगति महिला ग्राम संगठन है और हमारे ग्राम संगठन में 10 समूह जुड़े हुए हैं जो 4 समूह वर्मी खाद बनाए के काम करत है और 4 समूह मिलकर बाड़ी विकास और चारा गाँव में काम करत है। बढ़िया। बिजली उत्पादन हुई कैसे लगा थे? अब तो हर गांव बिजली भी उत्पादन हुई जी सर काफी बिजली बिजली के गोबर से बिजली बनना है। हाँ गोबर से बिजली बनना है सर और बहुत बहुत मैं आपने बधाई दे जो अभी तक के तुम वर्मी कंपोस्ट बेचते रहे अब बिजली तक बेचू तुम्हारा सरकार खरीदी तुम्हारी बिजली ला
अभी तक बिजली तुमन खरीदत रहे, अब तुमन बिजली बेचो सरकार खरीदी, कैसे लगा थे? धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। चलो शुरू, अब वो शुरू करके बताओ, तुम प्लांट ला शुरू करके बताओ। जल गई बिजली, अब एक बात, सिकोला पाटन जिला दुर्ग जय बिहान, जय बिहान, जय बिहान, क्या नाम है वो? मोर नाम धनेश्वरी साहू है, ग्राम सिकोला के रहने वाली हूँ। अच्छा, तुम्हारी समिति अब का गोबर से बिजली उत्पादन करे जा थे? हाँ। और वर्मी कंपोस्ट बेचे है वो? हाँ। कतेक पैसा के? 2,50,000। 2,50,000 के वर्मी कंपोस्ट बेचे, बहुत बधाई। अब चलो बिजली उत्पादन करके बताओ। जय बिहान, जय बिहान, जय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को सादर, ग्राम पंचायत सिकोला की तरफ से जय जोहार, प्रणाम, प्रणाम। 2 अक्टूबर गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी बधाई। महोदय जी, आपके द्वारा नए विचार, नई सोच, तकनीक के माध्यम से गोबर गैस बना, अब इसके बाद बिजली उत्पादन हो रहा है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, आपने उसको साकार कर दिया, कर दिखाया। पहले गोबर खरीदी, वर्मी खाद बनाकर हम सभी का आय का स्रोत बना, गौठान में काम मिला, ऐसी योजना के लिए आपको सादर धन्यवाद। बधाई। अब बिजली उत्पादन कर साकेत भाई, लाइट चालू, लाइट चालू कर दे। दाऊ जी प्रणाम, प्रणाम। उप सरपंच ग्राम पंचायत सिकोले पुरुषोत्तम यादव, यादव जी, चलो जी, आपके आशीर्वाद से 10 घन मीटर का गोबर गैस प्लांट लगा है दाऊ जी, और 5 घर में कनेक्शन भी दिए हैं। आपके आशीर्वाद से 5 घर में सुबह शाम चूल्हा जलते हैं सर, खाना पकते हैं। आपके आशीर्वाद से गांधी जयंती, 2 अक्टूबर के गांधी जयंती को बिजली के उत्पादन के शुभारंभ है दाऊ जी। हमारे गांव सिकोला के गली गली अंजोर हुई आपके आशीर्वाद से, आप लोग धन्यवाद है दाऊ जी, कोटि कोटि प्रणाम है दाऊ जी, कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिजली चालू करके बताओ। हाँ दाऊ जी, हाँ चालू है दाऊ जी, 3 घंटे से चालू है दाऊ जी, बिजली लगातार 3 घंटे से चल रहे हैं, जलाते। बहुत बहुत बधाई भाई यादव जी, और सबो महिला समूह के सब साथी महिला, सबो पंचायती राज से जुड़े हुए तीनों गांव में, रायपुर जिला, दुर्ग जिला, बेमेतरा जिला के एक एक गौठान में एकर शुरुआत आज हो है। आने वाला समय में सबो गौठान में इस प्रकार के व्यवस्था करबो, और गांव मन बिजली के मामला में भी स्वावलंबी हुई। एकर बार भाई प्रदीप शर्मा जिला, संकेत ठाकुर जिला और पूरा टीम ला, हमार भारती दासन जिला, सब साथी मतलब खूब बधाई, खूब शुभकामना, एक बार जोरदार ताली बजा कर मन के
ये माने एक शुरुआत करे एक बार ताली बजा के स्वागत अभिनंदन करे और धन्यवाद भूपेश भाई जिंदाबाद भूपेश भाई जिंदाबाद। अब चूंकि समय काफी हो चुके हैं, आज एक बड़े काम बिजली के मामले में गांव स्वलंबन के दिशा में पहला कदम उठाई तेकर बर बेमे तरफ इतिहास में जुड़ गए कर बर आप सब ल बधाई और शुभकामना। आप सब के उपस्थिति में आप सब के गवाही में आप सब देखे कि कैसे गांव वाला मन गोबर से बिजली बना है, या आप सब देखे हो तेकर बर आप सब ल बधाई और शुभकामना देते हुए कुछ मांग हमारे चौबे जी आशीष भाई और गुरुदयाल जी रखे तो घोषणा नहीं करूं तो फिर बात नहीं बनी। हालांकि बिना घोषणा किए भी काम हो सकते कौन हमन तो कह नहीं रहे गोबर से तुम्हारे गोबर खरीद तुम्हारे गांव गोबर खरीद को बोले रहे इनका तब गोबर खरीदे थे ना आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलबो कह रहे इनका तब खुले है कि नहीं खुले। तो वही प्रकार से बिना कहे हमन काम करे के हमेशा आदत रहे, लेकिन फिर भी अतेक हजारों के संख्या में आप सब तीनों विधानसभा से आए हो तो मैं सबसे पहली देवकर ल पूर्ण तहसील दे के घोषणा करा था। थान खमरिया में पॉलिटेक्निक कॉलेज की भी घोषणा और साजा में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल की घोषणा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परपोड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साजक के जिन कोई टंकन त्रुटि हो गई जिसे कर सिविल अस्पताल हो गई से बोला फिर से वो आदेश ल वो टंकन त्रुटि सुधारते हुए पुनः सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के दर्जा दे के घोषणा। ओके साथ साथ भाई आशीष छाबड़ा मांग करे भिमौरी ल पूर्ण तहसील दे के मांग करे होकर घोषणा करा था। देवर बीजा में कॉलेज के भी घोषणा और बेमे तरह में हमें हमेशा आयन कार्यक्रम करे हैं कभी काकरो भवन ल मांगे कभी काकरो भवन ल मांगे एक ऑडिटोरियम नहीं अब जिला बन गए तो बहुत सुंदर एक ऑडिटोरियम यहाँ बनना चाहिए तेकर घोषणा। और हमार देवेंद्र रवेल सिंह दाऊ के नाम से और डॉक्टर चेतन वर्मा के नाम से जिन महाविद्यालय मन के नाम रखे महाविद्यालय जिला चिकित्सालय के मांग रखे आशीष छाबड़ा ओकरो में घोषणा करा था। साथ ही अधो संरचना मदबर भी हमार नगर पालिका अध्यक्ष भी मांग रखे है नगर पालिका बेमेतरा साजा और धमदा बेरला ये मैं सब मांग करे वह मतलब राशि दे जाए ताकि हम विकास के काम हो सके। फूड प्रोसेसिंग प्लांट के भी मांग करे तो निश्चित रूप से लगातार काम तो चलते है चौबे जी को अब जिला भी है और विभाग है तो वो लोग करवे करी। और साथ ही एक मांग आशीष भाई और करी से सेनहक नाम से माता जी के नाम से साजा में माता जी देवी कुमारी चौबे के नाम से कुमारी देवी चौबे कृषि महाविद्यालय के भी घोषणा है मंच के माध्यम से। भाई गुरदयाल बंजारे नाथघाट में नया तहसील मांग की घोषणा करे मांग करे और घोषणा करा था। साथ ही ग्राम पंचायत डाढ़ील नगर पंचायत के मांग रखे होकर घोषणा करा था। एक उपकोषालय तेकरो और नवागढ़ में अनुसूचित जाति कन्या पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के मांग करे अच्छा उहुल करना है अच्छा चलो भाई नाथ घाट में कॉलेज के भी बोल और जब का भी पुल पुलिया सड़क के बाद है ताम्रा ध्वज भैया देखी वो करवे करी कहाँ जाए स्टेडियम अगर उन्नयन के जब का मांग है तो परीक्षण करबो धीरे धीरे सबो काम ला करना है कोई काम छोड़ना नहीं है। तो हमारे जन उद्देश्य है ते नहीं है कि छत्तीसगढ़ में हमार सियान मन पुरखा मन है जिन चंदूलाल चंद्राकर वादे चंद्राकर
देवी प्रसाद चौबे, महेश तिवारी, हमारे मारो के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री देवी प्रसाद दिलतारे हेमंत सर, छत्तीसगढ़ राज भर खूब मेहनत करे, काम करे। हेमंत सपना देख रही कि छत्तीसगढ़ के किसान ताकतवर हो, मजदूर मन ल काम मिले। वो सब काम हमन धीरे धीरे करत जाथन। आज हमारे छत्तीसगढ़ के किसान हो चाहे मजदूर हो, मजदूर मन भर मजदूर न्याय योजना का मन शुरुआत करें। अभी 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन हुई, 6000 रुपए महीना वो मन ल देना है। तो चाहे वो रोजगार बढ़ाए के बात हो, आय बढ़ाए के बात हो, शिक्षा के बात हो, चाहे स्वास्थ्य के बात हो, ये में छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ खड़े है। जिन पिछड़े हुआ राज्य है तेल अग्रणी राज्य के रूप में हम लाना है। ये बात लगाते हुए आप मन मोर बात बहुत ध्यान से सुने, आप सबके आशीर्वाद मिले, सियान मन के साथी मन के सहयोग और समर्थन मिले। और खूब धूप है, तेज धूप है, उमस है, तेकर बाद भी बहुत धैर्य पूर्वक आप मन हमर मन के बात सुने, तेकर बार आप सब हृदय से धन्यवाद देते हुए भाई आदरणीय रवि चौबे जी ला, आशीष जी ला, गुरुदयाल जी ला विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए कि खूब तुहर मन के हक के लड़ाई लड़ी। और कमती पर कमती बोल पड़े तो गुरुदयाल आगे कान में और बोल रही कि हूल बोल तो कतेक तुहर विकास पर मारो क्या करना है अच्छा मारो का उप तहसील बनाना है। हाँ गुरुदयाल यू लिखे बोले पर बुला गए का, चलो ओकरो घोषणा करता था। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की, छत्तीसगढ़िया। आप देख रहे थे सीधा प्रसारण छत्तीसगढ़ के बेमित्रा से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल जनता को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें इस दौरान किसान सम्मेलन के दौरान वे उन्होंने जनता को संबोधित किया। इसके साथ ही आपको बता दें गोठान से संबंधित योजना से संबंधित तमाम ग्रामीणों से उन्होंने यहां पर संवाद भी किया है।